नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं श्री नरेंद्र खट्टर जी, जो नोडल एजेंसी वाटरशेड के सीईओ हैं और हरियाणा में खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में हर खेत तक पानी पहुंचे इस कार्य की निगरानी पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो एक इंट्रोडक्शन है वह यह है कि ये मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के सहपाठी हैं, उनके दोस्त हैं और उनके भाई की तरह हैं। हम आज जहां उनसे उनके कार्य के बारे में जानेंगे, वहीं मुख्यमंत्री के साथ उनके बिताए दिनों के बारे में भी कुछ जानेंगे। तो नरेंद्र जी, आपका स्वागत है पल पल में। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये वाटरशेड के माध्यम से आपकी एजेंसी क्या कार्य कर रही है? ये वाटरशेड मैनेजमेंट की एजेंसी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। मेनली इसका ध्येय ये होता है कि जो अनइरिगेटेड एरिया हैं स्टेट्स की, उसमें ये स्कीम लागू होती है। इस ये एरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही फिक्स करती है और कितना बजट देना है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है। उसमें वाटरशेड की डेफिनेशन ये है कि जो पानी है, गांव का पानी गांव में, खेत का खेत में, पानी को इकट्ठा करके और उसको यूज़ इस्तेमाल करना कृषि के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए और लोगों की जीविका के लिए। ये खट्टर साहब, पहले मैंने कुछ साल पहले तक में वाटरशेड के बारे में जो मेरी जानकारी थी वो ये थी कि जिस खेत में पानी नहीं पहुंचता और ग्रामीण लेवल पे सोसाइटी बना के और 10% वो लोग किसान डालते थे और 90% का जो हिस्सा है वो सरकार देती थी। वाटरशेड के अंतर्गत क्या यह भी है कि वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाए जिस एरिए में, जैसे हमारे साथ राजस्थान लगता है, और राजस्थान में अगर राजस्थान से बढ़िया जो हमारे आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 50 साल पहले वाटर मैनेजमेंट जो राजस्थान में थी वो शायद पूरे देश में कहीं भी नहीं थी, उससे भी कुछ ऐसी स्कीम भी है भी किसानों को मदद की जाए और वर्षा का पानी वेस्ट ना जाए और वो डिग्गियों में और इकट्ठा करके किसान उसको यूज़ करे, कोई ऐसी योजना भी है? ये जो पहले आपने कहा ना भाई किसानों का हिस्सा डाल के इरीगेशन की जाए, वो स्कीम इससे भिन्न है। वो वहाँ लागू होती है जहाँ नहर का पानी है, जहाँ कहीं नहीं पहुँच पाता तो वो सोसाइटी बनाते हैं और उसको मैनेज करके आगे पानी भेजते हैं। वाटरशेड का मेन ध्येय ये है कि जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करना और वो वेस्ट ना जाए, चाहे तालाब में जाए, चाहे पहाड़ी एरिया में चेक डैम बना के या और डैम बना के उसमें पानी इकट्ठा करके उसको आगे कैसे यूज़ करेंगे लाइवलीहुड के लिए या कृषि के लिए, ताकि उत्पादन भी बढ़े और लोगों की जीविका में भी सुधार आए। कोई ऐसा काम जो इन दिनों आपकी सरकार ने आपके कार्यकाल में किया हो जो एक जिसका उल्लेख कर सकते हो? इसमें कार्य तो काफ़ी हुआ है। ये जो वाटरशेड की स्कीम है पिछले 2011-12 से चल रही है। तो ये स्कीम मेनली छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना दिए, जैसे तालाब बना दिए, रिटेनिंग वाल है, चेक डैम है, गैबियन स्ट्रक्चर्स हैं, कई और स्ट्रक्चर होते हैं जिससे पानी की रोक के पानी को आगे चैनलाइज करना, बड़े ड्रेन में बंद लगा के फिर उसको पानी यूज़ करना और उससे जो रिचार्ज होता है, मेन इसका ध्येय ये है कि पानी रिचार्ज भी होता है जिससे जल स्तर बढ़ता है। आपने देखा होगा जैसे आज से 30-40 साल पहले तक मैं भी गाँव में था तो तालाबों का पानी, जो नहरी एरिया है तालाब का पानी फिक्स होता था और तालाब उससे नहरी पानी से भरे जाते थे। लेकिन आजकल देखने में ये आया है जो हमारे, क्योंकि वाटर सप्लाई पहुंच गई और जो गंदा पानी है वो तालाबों में इकट्ठा होने लगा है, जो पोल्यूटेड बल्कि जो वर्षा के पानी को भी पोल्यूटेड कर रहा है, तो उसको साफ करने के लिए जैसे गंगा साफ करने की बातें हम करते हैं तो गाँव गाँव लेवल पर
जो तालाब थे, तालाब वाला शायद सिस्टम जो है वो खराब हो चुका है पूरे प्रदेश में। इस सरकार ने, अभी हरियाणा सरकार ने एक ये फैसला लिया है कि हरियाणा में 15,000 या 15,500 तालाब हैं, उसके लिए पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है। हाँ जी। उसका ध्येय ये है कि इनको पुनर्जीवन करना जो तालाबों का है, जो डूंगे नहीं है उसमें डूंगा करना और साफ सफाई करना, और उनमें पानी का पानी उसमें भेजना। पानी कैसे कि हर तालाब जो है नज़दीक वाली नहर से कनेक्ट हो जाएगा। ये पिछले साल ही मुख्यमंत्री जी ने ये इंट्रोड्यूस की थी और ये अच्छी ठीक तरह से चल रही है। और जितने भी गांव हैं ये इंस्ट्रक्शन हैं कि उनमें पानी सूखे ना, क्योंकि तालाबों के पानी की दो ज़रूरत होती है, जानवरों के लिए भी हैं और ज़्यादा हो जाए तो नज़दीक वाला इरीगेशन भी हो सकता है। और इससे मेन इफेक्ट है रिचार्ज, भूमि जल स्तर जो है ना गिरता जा रहा है दिन बाई दिन। तो खट्टर साहब, ये तो थी आपकी जो सरकारी जो आपका अहदा है उसके अनुसार जो काम था, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के सहपाठी रहे हैं, तो वो किस ढंग से, जब आप उनके साथ सहपाठी थे तो उनकी क्या कार्य प्रणाली होती थी, किस ढंग से उनको भारतीय जनता पार्टी का मॉनिटर भी कहा जाता, तो क्या ये जब बच्चे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, आपके सहपाठी थे, उस समय भी इनकी यही मतलब हॉबी थी या यही इनका कार्य प्रणाली थी वे मॉनिटर की तरह डिक्टेट करना? मेरी मुलाकात इनसे 1970 में हुई थी, जब हम 11वीं और 12वीं इकट्ठे की थी रोहतक से। हाँ जी। तो कहते हैं ना, होनहार विमान के होश चिकने बाद शुरू से ही बिल्कुल ये गंभीर रहते थे और मैच्योर थे, कभी भी इन्होंने बचकाना बातें नहीं की जैसे बच्चे करते हैं स्कूल कॉलेज से। और हम दोनों डॉक्टर बनने निकले थे, ना मैं बन पाया ना ये बन पाया, मैं चंडीगढ़ चला गया MSc करने, ये दिल्ली में बिजनेस में चले गए। इनका शुरू में ऐसा कोई वो लगाव या झुकाव राजनीति की तरफ नहीं था। दिल्ली गए, वहाँ पे इनकी भेंट हुई RSSओं से। RSS से ही इतने प्रभावित हुए इन्होंने ये कह दिया कि मैं तो जो है ना RSS ज्वाइन कर लिए और मैं प्रचारक बनूँ। तो कब, कौन से सन में ये प्रचारक बने? प्रचारक 1980 में बने। 1980 में प्रचारक। तो उस टाइम इनका जो अपना बिजनेस था चांदनी चौक में बड़ा फला फुला हुआ था, कि उस टाइम इनकी जो इनकम थी, मैं सरकारी अफसर था, मेरे से 14 गुना थी इनकी, उसको भी छोड़ के ये प्रचारक बन गए 1980। तब से इनको मैं देख रहा हूँ नॉन स्टॉप ही चल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कोई आधार नहीं था 2014 से, क्योंकि 2009 में केवल 4 सीटें जीती थी। तो एक व्यक्ति जिस पार्टी के लिए पूरा जीवन लगाता है, तो कभी आपकी बात होती हो 2014 से पूर्व, कभी उनके मन में आता था भी वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मंत्री बनेंगे, या कोई ऐसी मतलब उद्देश्य था उनका जो आदमी का जीवन? उनका एक ना डिटर्मिनेशन था, किसी चीज़ की वो जिद पकड़ देते हैं तो क्योंकि पकड़ते ठीक जिद है और उसको पूरा करते हैं। शुरू में जब इन्होंने ज्वाइन की एज ए संगठन मंत्री आए, और आते ही इन्होंने तीन जो बड़े सीनियर नेता थे BJP के, हिसार से भी थे, रोहतक से भी थे और अम्बाला से भी, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। महाजन साहब हिसार से, रोहतक से सुंदरलाल सेठी और अम्बाला से अनिल विज, इनको बाहर का रास्ता दिखाया। अनिल विज तो आज भी मंत्री हैं, तो वो तो फिर बाद में आ गए ना, तो उनको रास्ता दिखा दिया। तो उस टाइम BJP में थोड़े ही मेम्बर होते थे, थोड़े ही नेता होते थे, तो हमारी जैसे दोस्ताना बात होती थी। मैंने कहा भाई पहले भी BJP का कोई आधार नहीं है, ये अगर चले जाएंगे तो BJP जीरो हो जाएगी। तो उस टाइम का मुझे उनका वाक्य याद है, भाई फर्स्ट आई विल मेक BJP जीरो, देन आई विल मेक इट हीरो। उसका रिजल्ट ये हुआ 96 में हमारी सरकार बन गई। 96 में चौधरी बंसीलाल के साथ सरकार बनी,
और मुझे जहाँ तक कोई मुझे जानकारी है, शायद बंसीलाल सरकार के पतन का कारण भी ये बने थे। पतन भी कोई कारण थे और वो वाकई ठीक था, तो वो वाक्य आप जिक्र करना चाहेंगे? उसमें वो पूरी डिटेल नहीं पता, क्योंकि जो इनका आपस में समझौता हुआ था कि अब मैं पूरे समझौते का तो नहीं बता सकता, वे क्या चुंगी खत्म करनी थी या कुछ और था, डिटेल नहीं मालूम, वो उसमें बंसीलाल जी ने पूरा नहीं किया। तो इन्होंने कहा भाई ये सरकार निकम्मी है, इसको छोड़ो। आज जो ये पिछले लगभग 4.5 साल से जो हरियाणा सरकार काम कर रही है, आप सरकारी अधिकारी, सरकारी एक महकमे के प्रभारी के अलावा एक दोस्त के नाते क्या मानते हो उनका कार्यकाल कैसा? कार्यकाल बहुत सुपर रहा है। शुरू में हमें भी अजीब लगता था, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कई जगह पे ये भी कहता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनकी जेब फटी हुई है। लोग कहते हैं क्यों, मैं कभी ना तो इसमें पर्ची टिकती है ना खर्ची टिकती है, ये इनका दे। शुरू में इन्होंने 4 मेरे को कहे थे इनके दे, नीयत साफ, नीति अच्छी, व्यक्ति विशेष का कोई कंसर्न नहीं, सामूहिक काम जितने मर्जी। नहीं, एक चीज़ देखो, आपने खुद ही कह दिया भाई व्यक्ति विशेष का काम, जो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के लिए अपना जीवन लगाए, अगर उसको व्यक्ति विशेष को काम पड़ गया तो वो किसके पास जाएगा? आपका थैला क्यों पकड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ लेवल पे, पन्ना लेवल पे, मंडल लेवल पे, जिला लेवल पे, इस समय इस सरकार की जो सबसे बड़ी त्रासदी मैं मानता हूँ। नहीं, उसमें जो है ना पर्सनल इंडिविजुअल का भी, वो व्यक्ति विशेष की भी सुनते हैं, कोई अगर समस्या उस हिसाब से जायज हो, क्योंकि उनका जो मेन इश्यू था कि मोस्टली लोगों के पर्सनल काम क्या होते हैं, नौकरी लगाते, ट्रांसफर करते, उससे उन्होंने परहेज रखा। देखो इस सरकार की बाकी काम तो भाई किसी को कोई समस्या है, कोई अग्रीव्ड है, वो जाते हैं, उन्होंने इतनी बढ़िया वो खोल रखी है सीएम विंडो, आपकी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती है। असल में इतनी प्रॉब्लम किसी की सॉल्व नहीं। मैं अंत में, क्योंकि हमारा जो है लिमिटेशन है कुछ यूट्यूब की, तो मैं आपको अंत में केवल एक बात कहते हुए इसको ख़त्म करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री को विरोधी भी कहते हैं ईमानदार, लेकिन मुख्यमंत्री के जो सहयोगी भी कहते हैं भी, उनकी पकड़ अधिकारियों पे नहीं है। उस बारे में अंतिम टिप्पणी आपकी क्या है? और वो अगर अधिकारी आपकी बात नहीं मानेंगे, सरकार की बात, शायद मुख्यमंत्री हर चीज़ के लिए नहीं कह सकते, तो सरकार कैसे अपना ये मैसेज देगी भी अधिकारी हमारी बात मानते? उनका जो शुरू में स्लोगन था कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, उसके उसी डायलॉग से अभी भी कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी है वो भयभीत होता है कि मैं भ्रष्टाचार ना करूं, क्योंकि अगर उनके संज्ञान में कोई चीज़ आती है तो किसी को भी वो स्पेयर नहीं करता। उन्होंने कभी ये नहीं कहा भाई चलो इसको छोड़ो। नहीं, मैंने जो आपको ब्यूरोक्रेसी जो है उससे राजनेता, अक्सर राजनेता, चाहे भ्रष्ट राजनेता हो चाहे ईमानदार राजनेता, ब्यूरोक्रेसी अपनी चाल अपने ढंग से चलती है। ये सिस्टम एक ऐसा ही बना हुआ ना कि इधर लेजिस्लेशन, उधर ब्यूरोक्रेसी, उधर जुडिशरी, तो उनके मन में भय जरूर है कि अगर हम गलत काम करेंगे पकड़ में आगे तो हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं खट्टर साहब आपको व्यक्तिगत, क्योंकि हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हैं और चौटाला साहब का राज देखा है, जब ब्यूरोक्रेसी जो है खास तौर पे मुख्यमंत्री से कांपा करती थी, उसको कांपना भी तो एक अच्छी बात है। हो सकता है अच्छी बात ना हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पे ढीली पकड़ होना भी अच्छी बात नहीं है। तो नहीं, आप ये देखो ना, जब इन्होंने नौकरियाँ दी हैं मेरिट के आधार पर, लोगों ने भी इतराज किया होगा, नेताओं ने भी इतराज किया, खासतौर पर वर्कर्स ने इतराज किया। वर्कर्स को अब आप ये बताओ, वो ये कैसे कह दें कि भाई ये मेरा वर्कर है, इसकी योग्यता नहीं, इसको जॉब दे दे। अन्याय और न्याय में तो कोई फर्क है ना, न्याय भी तो करना है इन्होंने। अब हर कोई इनके ये गुण गा रहा है
क्योंकि ये आज अब एक ये राजनीतिक नहीं और स्टेट हेड नहीं, मेरे को तो ये साधु आदमी कि बिल्कुल साधु आदमी किसी के ऊपर आगे, अब जितने भी बच्चे लगे हैं वो गुण गाते हैं, उन्होंने इनकी फोटो लगा रखी है मेरा, क्योंकि क्योंकि जो पुरानी परंपरा थी ना भाई वर्कर के काम होने, वर्कर का काम, और कहाँ होते थे वर्कर्स के काम, गिनती के 1000-2000 वर्कों में पिछली आप हिस्ट्री उठा लो किसी सरकार की, 5-10 हज़ार से ज़्यादा वर्कों के काम नहीं, अब जितने भी बच्चे लग गए वो ऑटोमेटिकली इनके वर्कर हो गए। तो आज इतना ही, हमारे साथ थे श्री नरेंद्र खट्टर जी जो न केवल वाटरशेड के सीईओ हैं स्टेट लेवल पे बल्कि मुख्यमंत्री के सहपाठी हैं, वह उनके बारे में भी कुछ बता रहे थे, हालांकि वह सहपाठी होते हुए दोस्त होते हुए मुख्यमंत्री की प्रशंसा ही कर रहे हैं और ये करनी भी चाहिए, ये हमें बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो कुछ हमारे से साझा किया। आज इतना ही, नमस्कार।